दोस्तों यहां पर फाइनली आज MIUI 12.5 आज लॉन्च हो चुका है। अब यहां पर इसकी लिस्ट भी आ चुकी है, कौन सा शेड्यूल है वो भी आ चुका है, कौन से डिवाइस के लिए सबसे पहले MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइज यहां पर इंडिया में कौन से डिवाइस को अपडेट देखने के लिए मिल सकते, कौन से डिवाइस को अभी नहीं मिलने वाले वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नीचे एक लाल बटन है उसको प्रेस कर लेना है। अब गाइज यहां पर जैसे कि ये स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो यहां पर आज फाइनली लॉन्च कर दिया गया MIUI 12.5 ग्लोबल साइड में। अब यहां पर आप लोगों को इसकी लिस्ट तो मैं दिखाऊंगा ही कौन से डिवाइस की लिस्ट है, बट यहां पर कुछ फीचर्स के बारे में आज बताया गया है कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि कुछ एप्स है जो कि आप लोगों को पता है जो इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके, तो यहां पर वो एप्स तो नहीं मिलने वाले, बट यहां पर जो सिस्टम एप्स है, जी हां गाइस, यहां पर जैसे कि कैलकुलेटर हो गया वगैरह वगैरह, इसके अलावा नोट्स वगैरह जो आपको MI की डिवाइस में पहले से देखने के लिए मिलते हैं, अब आप लोग उसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही गाइज यहाँ पर ये अपडेट है काफी ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो लिस्ट में आपको बता देता हूँ जो कि ऑफिशियल है Xiaomi की तरफ से आई है, यहाँ पर कौन से डिवाइस को MIUI 12.5 का अपडेट फर्स्ट बैच में और फर्स्ट सेकेंड बैच में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर क्लियरली बताया कि सबसे पहले MI 10 की सीरीज आप लोग देख सकते हो, यहां पर MI 10 की सीरीज और भी इसके अलावा काफी सारे डिवाइस है। अब यहां पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, यहां पर क्लियर बताया ये जो भी अपडेट्स है ये जो अपडेट्स है क्वार्टर 2 के दौरान देखने के लिए मिलेंगे। अब क्वार्टर 2 क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। क्वार्टर 1 गाइस यहां पर 3 मंथ का एक टाइम रहता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, कि ये एक क्वार्टर 1 हो गया। फिर गाइस उसके बाद क्वार्टर 2 आता है अप्रैल मई जून, जी हां गाइस यहां पर क्वार्टर 2 का मतलब आपको अप्रैल से लेके जून तक आपको ये अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन से डिवाइस को अपडेट्स मिलेंगे तो यहां पर आप लोगों को बता दूं क्वार्टर 2 में क्लियरली बताया MI 10 की जो भी डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं, जो MI 10 की जो सीरीज है जो भी डिवाइस है उनके लिए अपडेट्स तो मिलेंगे ही, बट यहाँ पर कुछ डिवाइस और है जैसे कि Redmi Note 9 की सभी सीरीज है गाइज, यहाँ पर Redmi Note 9 के जितने भी डिवाइस है उनको भी यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। और गाइज यहाँ पर Redmi Note 8 की भी सीरीज है, Note 8 और 8 Pro। अब यहाँ पर फिलहाल Redmi Note 8 का नाम तो नहीं, बट यहाँ पर Redmi Note 8 Pro का नाम जरूर दे दिया गया। अब 8 का नाम क्यों नहीं है, हो सकता है Android 11 के साथ मिले तो उसके लिए शायद अलग से इसको ऐड कर दिया जाए। और गाइज यहाँ पर Redmi 9 का डिवाइस बताया गया, उसके अलावा गाइज यहाँ पर और कोई भी डिवाइस नहीं मिलते, ना ही यहाँ पर कोई Poco का डिवाइस है। पोको का तो एक भी डिवाइस आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। Redmi के सीरीज में अगर आप लोग देखोगे तो Redmi Note 9 की जो सीरीज है सभी के लिए मिलेगा, Redmi Note 8 के लिए यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं ये कौन से अपडेट मतलब किस कौन से बैचेस के दौरान देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर फर्स्ट बैच में देखने के लिए मिलता है Mi 10 की सीरीज, यानी कि MI 10 की जो भी डिवाइस है MI 10 Lite MI 10 Pro है इन सभी के लिए फर्स्ट बैच में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि क्वार्टर 2 के स्टार्ट में ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज यहाँ पर जैसे Redmi Note 9 की सीरीज है, Redmi Note 8 है, Redmi 9 है, तो इनके लिए लेट क्वार्टर 2 में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि क्वार्टर 2 जैसे खत्म होने जाएगा उससे पहले देखने के लिए मिलेगा, यानी कि गाइज यहाँ पर मई और जून के मंथ में इन डिवाइसों को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर बता दी गई कि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यहाँ पर और भी डिवाइस जो आने वाले समय में ये लोग इसको अपडेट करेंगे, यानी कि जिन डिवाइस का यहाँ पर नाम नहीं है तो उनके भी नाम आपको आने वाले अपडेट्स में देखने के लिए मिलेंगे, लिस्ट निकल के आने वाली ऑफिशियली तरीके से। तो उसके लिए उन्होंने बोला थोड़ा सा और वेट करो, यहां पर इंडिया में भी क्या ये लोग अलग से इवेंट रखते हैं या फिर नहीं कि आप लोगों को डायरेक्ट अपडेट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ऑफिशियल न्यूज निकल के आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। फिलहाल के गाइस यहां पर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी हुई, थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में होता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, जैसे कोई भी अपडेट्स आएगा आपके डिवाइस में उसकी लिंक्स भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलती रहेगी।